गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इतना गुड्डू पी रहे मैं कितनी बार बोल चुका रहूंगा कि ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है, अभी भी 14 डिग्री है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैं यहाँ पर धूप में खड़ा हूँ। तो धूप में कैसा कि ठंडा ठंडा हवा लग तो रहा है और गर्म गर्म भी लग रहा है, और मेरी नाक पुल जाम हो चुकी है और मेरा बैटरी 1% ही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ चार्ज पे लगा दूँ। अभी टाइम हो रहा है 11:30। अभी मैं जीजू को बोलता हूँ कुछ नाश्ता वास्ता करने जाते हैं बाहर, क्योंकि नाश्ते में पोहे बनाए थे बट मन नहीं था पोहे खाने का, तो मैंने खाया नहीं। मैंने जीजू को बोला मेरे को मेंदू वड़ा खाना है, जीजू बोले यहाँ पे मेंदू वड़ा मिलता नहीं है। तो उड़ी पीटू मुंबई है बट उधर 2 मेंदू वड़ा का 150 की 180 रुपया लेता, तो मैं बोला कि नहीं, 2 मेंदू वड़ा के लिए कितना पैसा ज़्यादा है यार, बहुत वाला 20-30 रुपये वाला खुलते क्या अपने इधर? प्लान चालू है, देखते हैं अगर इन फ्यूचर खुल गया तो सही है। जीजू को बोला चलो बाहर जाते नाश्ता करने, तो जीजू बोलते चलो, मैं बोला स्पीकर भी ले लो थोड़ा रानी रोड पे, मतलब बैठ के थोड़ा टाइम पास वाइम पास करेंगे। तो जीजू बोलते नहीं पहले दवाई ले ली है दीदी के लिए और उनकी मम्मी के लिए, कुछ दवाई लेनी है तो पहले दवाई लेके फिर से आएंगे, दवाई दे के बाद में स्पीकर लेके बाद में हम लोग जाएंगे थोड़ा घूमने के लिए। और ये जैकेट भी ले लिया जीजू से क्योंकि बहुत ठंडी लग रही है मेरे को। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ गाड़ी के यहाँ पे और जीजू वहाँ पे सामने, वो सामने खड़े। तो भाई साहब हम लोग यहाँ पे बैठे गाड़ी में और ये व्यू का आनंद ले रहे। ये सामने व्यू है, अभी सामने वो ठेला वाला आ गया, ठेले वाले के पास जाएंगे हम कुछ खाएंगे। और जीजू क्या बोलते हैं? आनंद आनंद। मैं 3-4 दिन इधर था नहीं तो मेरे को मिस किया कि नहीं? इधर गाँव गिलता हूँ ऐसा फ्री बैठने के लिए। जीजू ऐसा बोल रहे हैं, मन में बोलते रहे कि तू मेरा साला है, बीवी थोड़ी है कि मैं मिस करूंगा तेरे को। जाते 5-10 मिनट में जाते वापस सामने कुछ खाते। और इस ठंड में तो मतलब मजा ही आ रहा है धूप लेने का, मतलब वो वहाँ पे बोट राइड भी चालू है, आज संडे तो सब लोग बोट राइड पे भी चले। मैं जीजू को बोला जीजू जाते, मगर जीजू बोलते नहीं। क्यों नहीं, सबके साथ मजा है। ये वाले फास्ट फूड पर आए हम, अभी फॉग फॉग हो गया है पूरा कैमरा। यहाँ पर बैठेंगे नाश्ता वास्ता करते, कुछ क्या क्या है, नूडल्स पिज्जा हेवन, क्या लेना है? धूप में बैठना है, कौन सा पिज्जा? इधर आ जाओ, मार्केटिना भैया क्या मिलेगा? पूरा सब मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी चाहिए। यहाँ पर हमारा तंदूरी पनीर सैंडविच आ चुका है और यहाँ पर हमारी पार्टी हो रही है। यहाँ पर सामने व्यू देख लो आप, अभी हमारा पिज्जा भी आना बाकी है, पहले हम ये फिनिश करेंगे फिर पिज्जा खाएंगे। मजा नहीं लाई। और ये पिज्जा भी आ चुका है हमारा, सैंडविच अच्छा था बट पिज्जा अच्छा नहीं था, पता नहीं क्यों, मतलब उसने ना नीचे सॉस बहुत ज्यादा डाल दिया, मेयोनीज ज्यादा डाल दिया और ऊपर चीज डाल दिया, तो मतलब पूरा भरा भरा ऐसा लग रहा। जाने वाले आ तू तड़पाया, लौट के फिर तू कदे ना आया, कांदे विच दिल नु रुलाया, बड़ा सताया तू। तो गाइज वो नाश्ता करने के बाद हम लोग तो आ गए घर पे। जीजू बोलते हैं कि वो एक मेला लगा है यहाँ पे, मतलब 10 दिन का मेला रहता, तो वो मेले में घूम के आते। तो मेरा ठीक है, तो जीजू बोलते हैं कि तुम आधा घंटा सो जाओ, आपको तो पता ही है मैं आधा घंटा सोने जाता हूँ, तो मुझे 1.5-2 घंटा तो सो ही जाता हूँ। वही हुआ, 3:30 बजे मैं सोया और मेरी आँख खुली 6:30 बजे। तो मैं बाद में जीजू को ढूंढ रहा हूँ, जीजू को फोन लगाया, जीजू किधर हो आप, मैं तो सो गया। तो बोलते कि ठीक है मैं बाहर आया हूँ। जीजू का एक फ्रेंड है सुमित करके, वो भी अपना भी फ्रेंड बन गया, तो उनके साथ बाद में हम मेला में जाने वाले, और वो मेला कौन सा मेला है मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं, जीजू आपको बताएंगे कि वो कौन सा मेला है। अभी टाइम हो रहा है 8:30, हम लोग अभी मेला के लिए निकल रहे हैं। हम लोग को 8 बजे निकलना था मगर ये शख्स के वजह से हमें लेट हो चुका है, ये सुमित भाई। आज क्रिसमस था और भीड़ ज्यादा थी, इस वजह से लेट हो गया है। और आज हाँ क्रिसमस भी है, तो मेरे को भी अभी याद आया, तो मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। मेला दिलों का आता है, ये वो ड्राइवर है जो जिसको किसी को भी गाड़ी सिखा देगा, ड्राइवर यही चलेगा। ये वो ड्राइवर है जीजू। ये मेला कौन सा मेला है? ये शिल्पग्राम का मेला है, शिल्पग्राम का मेला। बट उसमें क्या है, झूला उला है? झूला भी मिलेगा, एक आधा मिलेगा, बाकी तो हैंडक्राफ्ट वाले हैं सारे। हम लोग पहुंच चुके हैं शिल्पा घाट ना, शिल्पग्राम शिल्पा घाट। सही बात बोली आपने, नाम चेंज कर दिया, धर्म परिवर्तन कर दिया तुमने तो शिल्पग्राम का। शिल्पग्राम पहुंचे और कहाँ पे, कितना दूर चलने का? अभी बस यहाँ से आप समझ लीजिए थोड़ा सा दूरी पे है, बड़ा सारा गेट आएगा, 55 रुपए का टिकट लगेगा। अच्छा 55 रुपया टिकट भी है? हाँ, भोकड़ में थोड़ी ना घुमाएंगे, अपने घर थोड़ी ना कि भोकड़ में घुमा देंगे तुमको, इसलिए तो गाड़ी यहाँ खड़ी करी, 55 रुपए बचाने। अच्छा ये मुंबई में रहता तो पार्किंग का पैसा भी लेते थे वो लोग?
नहीं नहीं ऐसा तो यहाँ उदयपुर में भी लेते, ऐसी बात नहीं है यार। तो यहाँ पे पार्किंग का पैसा है कि नहीं है? नहीं, ये बाहर सेवाओं के पार्किंग है। अच्छा, सेवाओं के पार्किंग। अंदर आप जा सकते हैं पार्किंग के लिए। यहाँ पे सबको जल्दी रहती है, मास्क कंपलसरी है, बट मास्क कंपलसरी नहीं था कोई भी नहीं। और यहाँ से सिर्फ हम लोग जा रहे, बाकी सब लोग आ रहे और कोई भी मतलब जाते हुए नहीं नजर आ रहा है। अभी 12 डिग्री हो चुका है जीजू, ठंड कितनी है बताओ तो थोड़ा बहुत। पूरा मुंह से भाप निकल रहा है। देखो इन्होंने तो मुंह में सिगड़ी लगा रखी है। लास्ट किरदार हम इस बच्चे यहाँ पे। तुम भी तो निकालो सिगड़ी। नहीं नहीं अभी नहीं आ रही है, अभी मैं कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा हूँ। यहाँ पर आके टिकट लेना है, व्यस्त बच्चे का 30 रुपया, बड़े का 55। अच्छा मास्क कंपलसरी है। यहाँ पर फ्लावर बास्केट है, बहुत ही अच्छा एंटीक एंटीक फ्लावर बास्केट। यहाँ पर एंटीक एंटीक गड़िया। हाँ कौन सा? वो वाला कैसा है? कंफर्टेबल नहीं है ना? और यहाँ पर रजाई वजाई कपड़े कंबल सब मिल रहा है। अरे वाह, ये भी अच्छा लग रहा है। इधर कुछ लेना है क्या? इसको देना है मुन्नी को। मुन्नी के लिए क्या मालूम अभी क्या लेंगे, देखते थोड़ा आगे। अभी हमको यहाँ पे भूख लगी है तो हम यहाँ पे आए, राजस्थानी फूड्स। और ये दादी का ढाबा कुछ है, देसी राजस्थान क्रूज है। बड़ी वॉन्ट टू ईट। ये भाई को लगा है भूख ज्यादा। सब कंफ्यूज है अभी का, सब कंफ्यूज है। यहाँ पे मतलब मैन मेड हाथ से बनाए हुए कपड़े वपड़े तो वही ज्यादा मिल रहे हैं, और कुछ मिल रहा नहीं है ज्यादा। कान के झुमके बैग वैग वगैरह बस। ये वाला कप लिया है हमने, ये मिट्टी का है भैया? मिट्टी का है सर, कंफर्म 100% गारंटी। ये मिट्टी का है या इसको धो के भी अपन घर पे मतलब यूज कर सकते हैं। तो ये ले लिया छह, 1 2 3 4 5 ही है। एक कप किधर गया भैया? मैंने अलग लिया ना, मैं गोल वाला लिया, उन्होंने वैसा लिया है। हाँ ये रहा, इधर ही पड़ा है सब, यही सब पड़ा है। देखो ये वाला अच्छा है। यहाँ पे मिट्टी के बॉटल्स भी है, यहाँ पे पुराने जमाने के गुल्लक भी है, जिसमें क्या करते थे पहले अपन पैसे जमा करते, 10 रुपए होती फोड़ देता था। ये कुछ चिड़िया दिखी है हमको, इसमें मतलब पानी भर के सिर्फ फूक मारने का तो चिड़िया ऐसी आवाज करेगी। पानी खत्म होता है क्या इसका? मैंने बोला फूक मारने के बाद पानी थोड़ा थोड़ा उड़ेगा। यहाँ पर पानी पूरी खाने के बाद रगड़ा गरम हो रहा है। जी फूक मारो भैया, खाने के बाद तुम रगड़ा गरम कर रहे हो यार। आप मेरा वीडियो मत बनाओ। क्यों? मुझे मतलब साथ में भैया फेमस हो जाएंगे। एक हमारा सांड खड़ा यहाँ पे, किसी ने लगा नहीं, घूम के लेते आए हम। आप किधर से भी दबाओ ये निकलेगा जरूर। अरे भाई मस्त लग रहा, मस्त लग रहा। हम लोग जो सुबह से बात कर रहे थे इडली मेंदोड़ा कहाँ मिलेगा, इडली मेंदोड़ा कहाँ मिलेगा, तो हमको यहाँ पे सामने इडली मेंदोड़ा डोसा मोमोज दाबेली आलू फिरंग दही वड़ा पापड़ी सब मिल गया। ये सांबर वड़ा किधर है? मेंदोड़ा किधर है? मेंदोड़ा खाएगा यहाँ का भाई साहब। मेंदोड़ा देख लो कैसा है। ये कौन सा मेंदोड़ा है? मेरे को भी नहीं समझ रहा कौन सा मेंदोड़ा है। टेस्ट इट एंड देन बताओ कैसा लगे। कैसा है? टेस्ट आ रहा है, टेस्ट आ रहा है मेंदू वड़ा का। मैं भी चखते हैं भाई। मेंदू वड़ा इज 5 out of 10, इडली भी 5 out of 10। तो मिला क्या खारा पूरी? ये आ गए इनके ढोकला, ढोकला और दाल। इसमें तो मजा आएगा ना, दाल तेल कई। मसाला डोसा था, मतलब मसाला डोसा थोड़ा अच्छा नहीं था। ये आलू पराठा भी आ चुका है हमारा, थैंक यू भाई। हम लोग खाना तो हो चुका है, अभी हम आए इधर कुल्लड़ वाली चाय पी रहे, ये भाई बना रहे। टाइम हो गया अभी 10:30 और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। वहाँ से तो हवा जाती है, सब बंद हो चुका है। अभी सब लोग जा रहे, हम लोग भी घर पे निकलते हैं। घर पे जा रहे, किधर जा रहे अभी? घर पे। ब्लॉक के चक्कर में वो कप और थैली भूल गया हूँ मैं, ब्लॉक के चक्कर में। ठंड भी बहुत है भाई, अभी हाथ वाथ सब नम हो रहे। अभी मैं ब्लॉग बंद करता हूँ और ग्लव्स पहनता हूँ, क्योंकि ग्लव्स निकाल रहा हूँ बार बार ब्लॉग करने के लिए।
ऐसे भूल जाते सब लोग वहाँ पे पर्स हेलमेट भूल रहे, तो वहाँ पर पुलिस वाले यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे कि ये भूल गए। अभी अपना अनाउंसमेंट होता था कि कोई तो कप और ग्लव्स भूल गए, अभी यस अपने कपड़े भूल गया था, अनाउंसमेंट किया वापस मिल गए। तो भाई साहब हम लोग आ चुके हैं घर पर। एज कम्पेयर टू शिल्पग्राम यहाँ पर ठंडी थोड़ी कम है, वहाँ पर तो मतलब मुंह से भाप वाप निकल रहा था, आपने देखा, यहाँ पर भाप भी निकल रहा क्योंकि वो सब पहाड़ के बीच में पूरा मेला था, है ना, पहाड़ के बीच में था मेला, तो इसके लिए वहाँ पर ठंडी थोड़ी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू हियर। बस अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं सो रहे, अभी मैं ट्रांसफर पर रखूंगा सब फुटेज और फिर सो जाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं कल मैं 4 बजे की बस है, कल 4 बजे निकल जाऊंगा यहाँ से। जीजू आ रहे वहाँ से, जीजू यहाँ पर रहेगी निकल, तो चलो जीजू बाय। अभी तो सोने गए, किधर जा रहे हो? ऊपर ही। हाँ? ऊपर सोने के लिए। अभी ऊपर सोने जा रहे, अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर। बाय बाय।